वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम फ्यूचर रिटेल लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो फ्यूचर रिटेल स्टॉक की बात की जाए तो सबसे पहले फ्राइडे के दिन 7.05 पे क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका था फ्यूचर रिटेल स्टॉक। तकरीबन 1.44% ऊपर क्लोजिंग दे चुका था, 10 पैसे ऊपर क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका था। तो देख सकते कि फ्यूचर को जो रिटेल है लास्ट 1 वीक की बात की जाए तो 5% अप यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका है। लास्ट यहाँ पे आप देख सकते कि 1 वीक की बात की जाए तो 5.5% ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। तो बाकी के रिटेल पे नज़र डाली जाए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते कि इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पे नज़र डालोगे तो यहाँ पे आप देख सकते तकरीबन इंट्रेंसिक वैल्यू देख सकते हो, इनसफिशियंट डाटा की वजह से नहीं बताई गई। पर आरओई वर्सेस एफडी रेट देखा जाए तो बैंक एफडी से तो अच्छा रिटर्न नहीं दे देता है स्टॉक। डिविडेंड की बात की जाए तो अट्रैक्टिव डिविडेंड भी ऑफर नहीं करता है। एंट्री करने के लिए भी एक अच्छा पॉइंट है क्योंकि स्टॉक ओवरऑल जोन में नहीं है, तो एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका बन सकता है स्टॉक के अंदर। रेड फ्लैग्स फाउंड आने के देख सकते स्टॉक एएसएम लिस्ट में दिखाई दे रहा है। तो बेसिक के साथ यहाँ पे प्रो डिटेल पे नज़र डाली जाए तो डिफॉल्ट जो प्रोबेबिलिटी है आने वाले 12 महीने के लिए लो रहने के चांसेस है। क्वालिटी चेक्स में पुअर परफॉर्मेंस है और ग्रोथ स्कोर में इनसफिशियंट डाटा है। तो देख सकते हो कि स्मॉल कैप का स्टॉक है, मार्केट कैप जो है 376 करोड़ की है और स्टॉक के अंदर रिस्क देखी जाए तो हाई रिस्क का स्टॉक है। पी रेशियो माइनस में ही है। टोटल कंपनी का जो लोन है 12,200 करोड़ का है, डिविडेंड नहीं देता है। नेट इनकम की बात की जाए तो 3,100 करोड़ के ऊपर लॉस हो चुका है इस साल में। टोटल रेवेन्यू है 6,500 करोड़ का और टोटल एसेट्स है 19,000 करोड़ के। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट फ्यूचर रिटेल स्टॉक के लिए।